एसडीएम अमरिया वंदना त्रिवेदी के नेतृत्व में आज कस्बे में फ्लैग मार्च कर अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें तहसील अमरिया नहर पुल से लेकर मेला ग्राउंड तक लगभग 1 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पर ठेले टीन शेड आदि सामानों को हटाया गया। कस्बे में अफरा तफरी मची रही। रोड पर बढ़ते अतिक्रमण से लगातार हो रही घटनाओं के चलते आज इस अभियान में तेजी दिखाई दी। वहीं सामाजिक लोगों ने इस काम की सराहना की और व्यापारियों ने भी अपना सहयोग दिया। अभियान में सीओ थाना अध्यक्ष सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं अतिक्रमण करने वाले लोगों पर नोटिस के माध्यम से अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही। ठीक है, लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ के रोड पे कब्जा कर रखा है, आम जनता को परेशानी होती है। व्यापारियों का भी ये थोड़ा सा गलती है जो रोड पे आते हैं। उस पर एक सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया था उसमें व्यापारियों ने सपोर्ट की है और उन लोगों को एक वार्निंग देके भी उन्होंने कह दिया किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब देखते हैं आगे, वो कह रहे हैं आगे भी चलता रहेगा। ये व्यापारियों को तो फिलहाल नुकसान ही लगेगा, लेकिन आम जनता को उस चीज़ का फायदा मिलेगा, थोड़ा जाम कम हो जाएगा, आम आदमी के लिए निकलने के लिए सहूलियत हो जाएगी। अभी तो प्राथमिक स्तर पे इनको विभागों के द्वारा नोटिस दिलाया जा रहा है, NHI और PWD के माध्यम से और पुलिस विभाग के द्वारा। इसके अलावा इनको चेतावनी भी जारी की गई है और 2 बार अनाउंसमेंट भी किया गया है। आज कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए जितने लोगों का सड़क पे इंक्रोचमेंट था वो हटवाया गया है। यदि इसके बाद भी इनके द्वारा दोबारा इंक्रोचमेंट किया जाएगा तो अतिक्रमण अभियान के तहत फिर विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत खाली कराया जाएगा। ये लगातार चलेगा क्योंकि लगातार रोड जाम होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसीलिए ये आगे भी लगातार गतिमान रहेगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से संवाददाता सदर सैफी की रिपोर्ट।